गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम बेटे अपना चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। अगर मैं आज तक की बात करूं, हमने इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, हमने मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट कर लिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कर लिया है, हम लोगों ने कल ये वाला टॉपिक पूरा करा है। वॉट इज दिस? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट या कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर मैं स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करूं, तो हमने एक साइड पढ़ा था बजट रिसीट्स, दूसरी साइड पढ़ा था बजट एक्सपेंडिचर। अब शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब रूटीन बेसिस पर, रिकरिंग नेचर वाइज, और कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वाइज। अगर बेटे मैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं बाय डिफॉल्ट अंडर द टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट बजट में लॉन्ग टर्म असेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ, ओके? क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैम कैश आता है, पैसा आता है या बैंक में ट्रांसफ़र आता है, तो वो भी तो एक तरीके की असेट है जिसको हम करंट असेट्स बोलते हैं बेटे। लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट मैं बार बार बोल रही हूँ कैपिटल, द टर्म कैपिटल इज रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म आइटम्स। मतलब अगर मैं सिर्फ असेट्स एंड लाइबिलिटीज बोल रही हूँ, तो ये बाई डिफॉल्ट अंडर दिस चैप्टर इज लॉन्ग टर्म असेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ओके? सो बजट रिसीट्स में हमने दो तरीके की रिसीट्स पढ़ी, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। बजट एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। मतलब जो रूटीन बेसिस के रिसीट्स हैं, जैसे टैक्स के पैसे आना गवर्नमेंट को, फी, फाइंस, चलान, ग्रांट्स, इन सब के पैसे आना, ये कौन से हैं? अगर गवर्नमेंट ने किसी को इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट आना भी क्या है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स। क्यों बेटे? सिंपल सी बात है, रेवेन्यू नेचर रिसीट्स और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर वो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मतलब जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, डे टू डे रूटीन के होते हैं, ओके? बट कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आइटम्स हैं जिनके ट्रांजेक्शन में होने से, जिनकी ट्रांजेक्शन होने से गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के स्टेटस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? अगर मैं कैपिटल रिसीट्स की बात करूं, इट मींस गवर्नमेंट की असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट होगा। रिसीट्स का मतलब आना, मतलब गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है पैसा। अभी गवर्नमेंट को रिसीव असेट्स एंड लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा? या तो असेट्स रिड्यूस होंगी, मतलब थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, या गवर्नमेंट उधार ले रही है, या थ्रू राइज इन द लाइबिलिटी, ठीक है? या तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या वो असेट्स को रिड्यूस करेगी, किसकी? गवर्नमेंट की, ठीक है? अगर इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट को कुछ रिसीट्स हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल नेचर रिसीट्स, ओके? सेम विथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डे टू डे रूटीन के खर्चों से गवर्नमेंट की ना तो असेट्स बढ़ती है ना लाइबिलिटीज कम होती है, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनसे असेट्स या लाइबिलिटी के स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट होता है, उसको कौन से एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप खुद बताइए बच्चे, अब बच्चे कहीं कन्फ्यूज होंगे, मैम असेट्स घट रही है, असेट्स मतलब रिड्यूस हो रही है रिसीट्स में। एक बात बताओ बच्चे, आपको कुछ मिलेगा असेट्स को बेच कर ना, तो मिलने पर असेट्स बढ़ेगी या घटेगी? असेट्स बढ़ेगी तब जब आप खर्चा कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्लियर हुआ? अगर असेट्स बढ़ने के लिए या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी असेट्स बढ़ेगी, लेकिन वो आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने क्या करा? खर्चा, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर हुआ, गवर्नमेंट भी करती है ऐसे एक्सपेंडिचर। अब आप बताओ, गवर्नमेंट ने कोई लैंड खरीदी या गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स बनाए, हॉस्पिटल इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यस?
अब गवर्नमेंट की हॉस्पिटल बनाने के खर्चे से क्या बढ़ रही है? अपने आप आंसर आता है बेटे, असेट्स क्रिएट हो रही हैं। तो इससे गवर्नमेंट की कौन सा स्टेटस इंपैक्ट हो रहा है? असेट्स। तो ये खर्चे आप खुद बताओ, रेवेन्यू है या कैपिटल? ऑब्वियसली कैपिटल, ठीक है। अब गवर्नमेंट डे टू डे रूटीन का खर्चा करती है, जैसे सोशल वेलफेयर के ऊपर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देना मंथली, क्या गवर्नमेंट की असेट्स क्रिएट हो रही है या गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये कौन से खर्चे हैं? रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, रूटीन बेसिस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सो कौन से एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, हाँ जी क्लास, अब हमने डीपली पढ़ा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने देखो बेटे, आप सबको पता चल जाएगा अगर खर्चे वाइज इन्वेस्टमेंट किन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू गवर्नमेंट कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाइज या कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइज। असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट बढ़ेंगी अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। और असेट्स कहाँ, कौन से वाले कैटेगरी में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इट मीन्स गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी का खर्चा कौन से, किस फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर में करती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट, जैसे इन ऑर्डर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज इन द इकोनॉमी, डिफेंस सर्विसेज। तो उन सब के लिए जो गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल के लिए खर्चा करती है, वो मेनली वो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं बेटे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो मेनली किसके ऊपर हो रहा है? इट मेनली फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? इसका मतलब ये हमारी इन्वेस्टमेंट के रूप में डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इट मीन्स इट डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू GDP ग्रोथ। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये तो वेलफेयर का खर्चा है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो इट मीन्स डायरेक्टली GDP ग्रोथ नहीं हो रही विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है तो ये क्या क्या आपको बता रही है इकॉनमी के बारे में? इसका मतलब इकॉनमी को वेलफेयर की ज़्यादा ज़रूरत है। वेलफेयर की ज़रूरत कब होगी? जब इकॉनमी में क्या होगा, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, तभी गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने पड़ेंगे एज फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी और वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द इकॉनमी। क्लियर हुआ बेटे? इसका मतलब अगर मैं 1 मार्क में क्वेश्चन पूछूँ कि हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या एक गुड सिंबल है इकॉनमी के लिए? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तभी करेगी जब हमारी इकॉनमी में क्या है, बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक गुड सिंबल नहीं है इकॉनमी के लिए। ओके, अब इसी वे में अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ, अब गवर्नमेंट, क्योंकि इसका रिवर्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो वेलफेयर एक्सपेंडिचर नहीं है। इट मीन्स गवर्नमेंट या तो अपना लाइबिलिटीज़ का बर्डन हटा रही है या असेट्स को बढ़ा रही है, ठीक है बेटे। और गवर्नमेंट बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो असेट्स बढ़ती ही बढ़ती हैं गवर्नमेंट की। अब असेट्स बढ़ेंगी इन्वेस्टमेंट के रूप में तो गवर्नमेंट की प्रोडक्शन या सॉरी गवर्नमेंट की नहीं इकॉनमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इकॉनमी की क्या बढ़ रही है? GDP ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूट्स टू GDP ग्रोथ। ओके, हाँ जी क्लास, अभी मैंने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो GDP ग्रोथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई?
कोई बता सकता है? और कोई सोचे सोचे अपने माइंड में कि कैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। सोच के देखिए बेटे, गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी, सपोज मेट्रो का प्रोजेक्ट आया तो देश में क्या बढ़ा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो देश में क्या बढ़ रही है? इनकम। इनकम बढ़ रही है तो इट मीन्स इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। इट मीन्स बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर भी जीडीपी ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल इट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ग्रोथ। ओके, अब आता है बेटे, अगर हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाय द गवर्नमेंट, ये क्या पॉइंट आउट करता है, क्या स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी पॉइंट आउट करता है? इट मीन्स अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ रहे हैं, इट मीन्स इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टर्स ज़्यादा नहीं है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उस इन्वेस्टमेंट का गैप कौन फुलफिल कर रहा है? कौन फिल कर रहा है? गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके क्लास, इट मीन्स बेटे प्राइवेट इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंड्यूस नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर। क्यों? सोच के देखो, क्यों? वाई दे आर नॉट इंड्यूस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी? क्यों? क्योंकि स्कोप ही नहीं है। स्कोप क्यों नहीं है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है? लोअर है ना। एग्रीगेट डिमांड अगर लोअर है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये कौन सा गैप है? डिफ्लेशनरी गैप है ना। इसका मतलब अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है और गवर्नमेंट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी किस स्टेटस में है? डिफ्लेशनरी गैप से, गैप में सफर कर रही है। ठीक है भाई। सो बेटे ये 1-1 mark के क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करिए। ओके यस स्टूडेंट्स, अब आता है बेटे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ बजट। अब बेटे बजट दो तरीके का होता है मेनली, एक होता है बैलेंस्ड बजट, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होगा? जब दोनों पार्ट ऑफ द बजट, दोनों साइड्स ऑफ द बजट इक्वल होंगे। एक साइड होती है रिसीट्स, एक साइड होती है एक्सपेंडिचर। इट मीन्स बैलेंस्ड बजट क्या होगा? द बजट वेयर इन विच गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीट्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा बजट कहलाएगा? बैलेंस्ड बजट। और अनबैलेंस्ड क्या होगा? इस वे में दोनों तरीके से हो सकते हैं। सपोज ये गवर्नमेंट रिसीट्स हैं, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इट इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड वेयर रिसीट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। ये भी अनबैलेंस्ड है वेयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। ठीक है। सो अनबैलेंस्ड बजट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीट्स आर नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। या तो गवर्नमेंट की रिसीट ज़्यादा होंगी या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। ओके, सो अनबैलेंस्ड बजट दो तरीके का होता है। नंबर वन, सरप्लस बजट, बचने वाला बजट। बचने मतलब जहाँ पर आपकी रिसीट्स बच रही हैं खर्चा करने के बाद भी, लेकिन एस्टिमेशन के वे से। ओके, और डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, मतलब रिसीट्स कम हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। सो सरप्लस बजट क्या होगा? जहाँ पे गवर्नमेंट एस्टिमेटेड, बेटे ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर द बजट एंड दिस बजट इज फॉर द फिस्कल ईयर टू कम। ओके, अब ये जो सरप्लस बजट है इसमें गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आपके पास सरप्लस पैसा है, आप कौन? गवर्नमेंट। तो ये कौन सा बजट है बेटे? सरप्लस बजट।
अब आता है बच्चे डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब अगर मैं देखूं तो घाटा होता है, घाटे का बजट। इसका मतलब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड खर्चे ज्यादा हैं और गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स कम है, तो वहीं पर तो घाटा होगा, खर्चे ज्यादा रिसीट्स कम, तो वो कौन सा बजट कहलाएगा बेटे? डेफिसिट बजट। ओके, तो आज बेटे ये हमारा मेन टॉपिक है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में कौन सा बजट चलता है? डेफिसिट। क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कैपिटल कम है, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स कम होती हैं, तो इसलिए हमारा मेन फोकस किस टाइप ऑफ बजट पर रहेगा? डेफिसिट बजट पर। ओके, अब आता है बेटे बजट डेफिसिट। मैंने आपको बोला हम इन ऑल डेप्थ में पढ़ेंगे डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट। अब डेफिसिट बजट कब होगा या बजट डेफिसिट कब होगा? जब गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट्स टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? बजट डेफिसिट। अब मैं अगर जब भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ, मैं एस्टिमेटेड की बात कर रही हूँ, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ठीक है। और जब मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स इसमें दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। अगर मैं सिर्फ रिसीट्स, गवर्नमेंट रिसीट्स की बात कर रही हूँ तो इसमें भी दोनों तरीके की रिसीट्स हैं, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स। ओके क्लास, सो बजट डेफिसिट क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसीट्स, ठीक है। अब कितने का घाटा है कैसे पता चलेगा? सपोज मेरे पास पैसे हैं 10 रुपये और मैंने खर्चा करा 12 रुपये, इसका मतलब कमी, घाटा कितने का हुआ? 2 का। तो मैंने क्या नहीं करा, 12 में से 10 माइनस कर दिया, इट मीन्स एक्सपेंडिचर में से रिसीट्स माइनस कर दी, तभी तो मुझे घाटा पता चला। तो इन द सेम वे फॉर्मूला ऑफ बजट डेफिसिट क्या बनेगा बेटे? टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल का मतलब दोनों, कैपिटल प्लस रेवेन्यू। क्या इसमें रिसीट्स में भी दोनों रिसीट्स होंगी? रेवेन्यू प्लस कैपिटल, ठीक है, क्योंकि ये जो बजट डेफिसिट है ये टोटल बजट डेफिसिट है। ओके क्लास, अब आता है बेटे तो फॉर्मूला क्या बना? टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल गवर्नमेंट रिसीट्स, एस्टिमेटेड वन, ठीक है, क्योंकि बजट आने वाले साल के लिए होता है, तो ये एस्टिमेटेड होता है, एक्सपेंडिचर्स भी और रिसीट्स भी। अब आता है बेटे टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। हमारे यहाँ पर जनरली 3 टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट होता है। नंबर 1, सबसे पहला, इसके 3 टाइप्स होते हैं, किसके बेटे? बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट के। नंबर 1 रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट, नंबर 3 प्राइमरी डेफिसिट। अब हम 1 by 1 इन तीनों डेफिसिट्स को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला आता है बेटे रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, अब रेवेन्यू डेफिसिट मतलब डेफिसिट किस नेचर का? रेवेन्यू। डेफिसिट किस नेचर का? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू मतलब डेफिसिट, इट्स रेवेन्यू नेचर का जो डेफिसिट है, इट मींस एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे? रिसीट से। लेकिन अब इसमें ना स्पेसिफिक नाम है रेवेन्यू, इट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। सो बेटे इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब कितने से होगा वही डिफरेंस के थ्रू हम निकालेंगे, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब बेटे